हम लोग का आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करेगा ना तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। जाइए गुजरात जाइए, वहाँ पे वहाँ का जो दंगाई कर रहे हैं ना वो बोले यहाँ नहीं चलेगा। झारखंडियों का राज है, पहले भी था और आज भी झारखंडियों का राज रहेगा। और हम लोग का पारसनाथ में ना वहाँ पे वो भी हम ही लोग का रहेगा। माननीय गुरु अगर हम लोग का नहीं हुआ तो सभी संताली झारखंड छोड़ कर कहीं चल जाए। पूरा विश्व से आ सकते हैं तो हम लोग तो झारखंडी के काफी हैं। तो हम आदिवासियों से आप टक्कर लीजिएगा तो सभी जैनी लोगों को बोल देते हैं यहाँ पे आप लोगों को रहने नहीं देंगे, एकदम दौड़ा दौड़ा करके यहाँ से भगा देंगे। क्या इंडिया, क्या इंडिया से बाहर आप लोग अगर गिनती किया जाए उसको धरोहर का, तो सबसे पहले आता है आपका मारंग बुरु, उसके बाद आता है लुगु बुरु। और वैसे ही सारे धरोहर हैं वो झारखंड में हैं चाहे बाहर भी हैं, सब यहाँ के धरोहर है। तो अभी जो है जैनी लोग वो लोग कैसे कह रहा है कि ये उन लोग का धरोहर है, वो हम लोग का धरोहर है। और आज की बात नहीं है ये आपका 5000 से पहले, ये लोग तो क्या है 2000 पहले का आदमी आया हुआ है और कह रहा है कि हमारा धरोहर है, इसको कैसे हम मानेंगे। हम लोग 5000 तक तो हम लोग का मैंने लिखित आपको मिल जाएगा कि ये आदिवासी यहाँ के लोग हैं। तो वो लोग पहले आए हैं, मैंने 5000 पहले होता है कि आपका 2000 पहले आता है। और उसके बाद ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि वहाँ का समझौता कर वहाँ का जो समस्या को निपटारे के लिए आपका 2 आदमी जैन से लिया जा रहा है और यहाँ आदिवासी लोग जो जनजाति है वो लोग को एक ही ठो लिया जाएगा। आखिर ये कौन हिसाब से उन्होंने किया है, आप जनसंख्या देखिएगा कि नहीं कि वहाँ के जो जनजाति, और जनजाति क्यों लिखे हैं, वो जनजाति वर्ड काहे के लिए लिखे हैं। हम लोग वहाँ पे जनजाति हैं, आपको लिखना है आदिवासी मूलवासी, उन लोग को लिखते तब जा करके उसको हम मानते। और यहाँ पे हम लोग जो हैं उन लोग का जैनी लोग का कितना आबादी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2% होगा पूरा ऑल इंडिया में, गिनिएगा तो अंगुली पे गिना जाएगा। और हम लोग यहाँ पे हम लोग तो लिखित भी थे काउंटिंग करके आपको कहते हैं 27% तो हम लोग का काउंटिंग क्या हुआ, और ऐसे तो हम लोग कम से कम नहीं भी तो 35% है, 35% हमारी जनसंख्या है। फिर आप उसको भी तो देखिएगा ना, तो कौन हिसाब से उन लोग को जैन लोग को 2 दे दिए हैं और हम लोग को 1, इसीलिए इस नोटिफिकेशन का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आपका ये लोग यहाँ के सांसद और विधायक उन लोगों को कुछ समझ नहीं है, बड़का एकदम चिट्ठी लिख दिया है। आखिर आप वहाँ से वहाँ का वोट से जीतते हैं तो वहाँ से आप लोग देखिएगा ना कि आखिर वहाँ के जन से आपका वोटर लोग वहाँ का लोग को क्या कौन आस्था का केंद्र, जैन आस्था, क्या जैन लोग का वोट से वो लोग जीतेगा कि जैन लोग और ये जैनी लोग उन लोग को जीता देता है। हाँ हमको लगता है ये भी सही है, जैन लोग जिताता है, जैन लोग बहुत बहुत बड़का बड़का पैसा लेकर आता है ना और इन लोगों को जिता देता है आपका विधायक को सांसद को लोगों को। तो मुख्यमंत्री को जान तो कैसे नहीं जानेंगे, वो हमारे वो तो नरमी परत रहे ना, हैं वही तो नरमी। अगर भी अगर हम लोग का बात को नहीं मानेंगे तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। या भी जो है सारे लोग जो भी यहाँ आदिवासी लोग हैं अगर हम लोग का आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करेगा ना तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी को अगर हमारी आस्था से हम आदिवासी लोगों की आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं है और ये आज हम कह देते हैं। तो आप लोग गौर से देखिए इस चेहरा को, ये है सुनीता टुड्डू, जिला परिषद सदस्य जरीडी क्षेत्र से हैं, क्षेत्र संख्या 19 से। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना गुस्से में लग रहे हैं, ये आप ही गुस्से में लग रहे हैं कि आदिवासी का जो भी संगठन है बोकारो में वो लग रहा है? ये केवल हम गुस्से में नहीं रहे, हमारे पूरा बोकारो का संगठन का लोग, केवल बोकारो नहीं आपका पश्चिम बंगाल आपका असम जो भी आदिवासी हैं जो भी समाज के लोग हैं सारे लोग गुस्से में हैं क्योंकि उनके आस्था पे प्रहार किया जा रहा है। इसीलिए ये जो है ये हम लोग का मारंग बुरु है और मारंग बुरु जो है आज से नहीं है, हम लोग बचपन से मारंग बुरु को मारंग बुरु मानते आ रहे हैं। और इसको तो वो लोग पारसनाथ कर दिया गया है पारसनाथ, लेकिन वो पारसनाथ नहीं है, उनका नाम तो पारसनाथ था और ये पारसनाथ तो हम लोग का वहाँ पे जो है ना पारसनाथ जो है रेवेन्यू। ये कहना चाह रही है कि जेएनयू का 23वें ग्रुप जो है कि पारसनाथ
वहीं पर मोक्ष प्राप्त किए थे ना मैडम? वहीं पे आकर के मोक्ष प्राप्त किए थे और उन्होंने वो मैंने मोक्ष प्राप्त किए थे, ये हमको पता है, हम हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो इतना तो जानकारी है कि उन्होंने लेकिन उन्होंने ये क्या एक पेड़ के नीचे में आकर के अपना तपस्या किए थे, वहीं पे सब कुछ वो मोक्ष को प्राप्त किए थे, बड़ा मंदिर में नहीं किए थे। और ये लोग जो आकर के बड़ा बड़ा टाउन हॉल क्या क्या बना रहा है, धर्मशाला ना पता नहीं क्या क्या, तो एकदम पूरा पहाड़ी तो आप लोग हड़प रहे हैं। टाइल्स और मार्बल से काम, हाँ तो टाइल्स मार्बल से काम हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं, आखिर वहाँ से क्यों लेके आ रहे हैं आप लोग जो है, यहाँ पे यहाँ का पत्थर सब नहीं है क्या जो वहाँ से लेकर के, और हम क्यों आपको काम करने के लिए दें, मेरा पहाड़ है आप लोग क्यों काम करेंगे यहाँ पे, हम काम करेंगे ना, आप लोग कौन होते हैं जा करके, ये जैनी सब जाइए गुजरात जाइए, वहाँ पे वहाँ का जो दंगाई कर रहे हैं ना वो बोले यहाँ नहीं चलेगा, झारखंड में झारखंडियों का राज है पहले भी था और आज भी झारखंडियों का राज रहेगा, और हम लोग का पारसनाथ भी है ना वहाँ पे भी, वो भी हम ही लोग का रहेगा, हम लोग थोड़ा आए थे पारसनाथ जो है मारंग गुरु है। इतिहास में इनका कहने का मतलब ये हो रहा है कि इतिहास के पन्नों में पारसनाथ एक रेवेन्यू विलेज का नाम है। जी मैडम यही आप ऑफ कैमरा में बोल रहे थे, तो एक रेवेन्यू विलेज का नाम है जबकि उस पहाड़ को मारंग गुरु के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस मारंग गुरु को कहीं ना कहीं हथियाने की बात चल रही है, कब्जाने की बात हो रही है, इसको लेकर आदिवासी समाज चिंतित है, वो गंभीर है इस मुद्दा को लेकर। और सुनीता टुड्डू जो जिला परिषद सदस्य है, इन्होंने साफ चेतावनी हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दी है कि अगर आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करें तो आपको जैनी लोग ही जिताएंगे। और कुछ अंतर यही बोलना चाह रहे हैं कि 1911 से पहले भी संथालियों बनाम ये जैनियों के बीच में थी लड़ाई हुआ, हाँ उस समय क्या हुआ जब यहाँ पे झारखंड में हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, उस समय भी उन लोग को निरस्त कर दिया गया कि नहीं ये जो है मारंग गुरु है वो वही लोग का धरोहर है, आदिवासियों का धरोहर है, मगर वो लोग जैनी लोग पैसा वाला था उन लोग से, वो लोग फिर गया ब्रिटिश काउंसिल में, वहाँ पर भी इस लड़ाई को लड़ा गया, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल ने भी इसको मान लिया कि नहीं ये आदिवासियों का धरोहर है, ये मारंग गुरु है, उन्होंने उसको मान लिया, तो फिर और उसका नोटिफिकेशन 1911 में निकल गया है। तो हम बोलते हैं जब उस समय मान चुका है तो अभी ये क्या होते हैं आपका मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री जी, वो लोग कौन होते हैं हम, और मुख्यमंत्री जी को भी हम बोलना चाहेंगे कि आखिर आप जब जानते नहीं हैं कुछ तो थोड़ा सा हमारे माननीय सांसद गुरु जी हैं उनसे कुछ पूछ लीजिए, उसके ऐसे ही बिना पढ़े किसी में भी इतनी साइन कर देते हैं, अगर उन लोग के पीछे रहिएगा ना बिना जांचे पर्चे आप पढ़िएगा तो आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि खाली अकेले रह जाइएगा, सारे जो संथाली अगर इसमें मारंग गुरु अगर हम लोग का नहीं हुआ तो सभी संथाली झारखंड छोड़ कर कहीं चल जाएंगे, फिर आप अकेले रहिएगा, अकेले ही जैनी लोग आपको वोट देगा और अकेले ही मुख्यमंत्री बनिएगा, फिर हम आपका जो समाज के लोग हैं ना वो सब जब हम लोग आस्था पे चोट पहुंचा है तो आखिर हम यहाँ पे क्यों रहेंगे, अगर हम लोग का मारंग गुरु नहीं तो हम नहीं, और अगर हम लोग हम नहीं तो समझिए मुख्यमंत्री जी आप भी नहीं रहेंगे, ये लोग जो है नहीं रहने देगा आपको, अगर हम लोग हैं ना तभी आप हैं। अच्छा एक बात बताइए सुनीता जी, जो जैनियों का 23वें गुरु हैं पावर्सनाथ, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, तो उनके लिए आप लोग कुछ जगह देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना, काहे नहीं देंगे, 6 फीट उनके लिए जमीन दिया जाएगा बस, 6 फीट उससे ज़्यादा काहे के लिए देंगे, वही उसको जमीन, हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, उससे उतना ही जमीन हम उसके नाम से दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। अभी जो धर्मशाला बना रहा है जैनी लोग जो है ना वो पूरा विश्व से आकर के इसको कब्जा करने का प्रयास करें, तो हम लोग क्या आदिवासी लोग कम हैं, आप लोग 2% हैं, हाँ अभी जो है ना अगर ऐसा समय आया अगर वो लोग आप लोग पूरा विश्व से आ सकते हैं तो हम लोग तो झारखंडीय के काफी हैं, अगर हम आदिवासियों से आप टक्कर लीजिएगा तो सभी जैनी लोगों को बोल देते हैं यहाँ पे आप लोगों को रहने नहीं देंगे, एकदम दौड़ा दौड़ा करके यहाँ से भगा देंगे, क्या इंडिया से बाहर आप लोगों को जाना पड़ेगा, इंडिया में तो एको नहीं बचेगा, झारखंड में तो रहेगा ही नहीं, इंडिया से भी आप लोगों का नामो निशान हटा देंगे।
आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं सुनीता जी, 2% या 3% जैनी लोग के पास में कितना संपत्ति है मालूम है आपको? संपत्ति से क्या होता है? संपत्ति जो होता है दो प्रकार का होता है, एक धन संपत्ति और दूसरा मानव संपत्ति। तो धन संपत्ति में अगर लोग ज्यादा हैं तो मानव संपत्ति में कौन है? आप ही उस मानव संपत्ति में तो हम लोग हैं। अगर हम लोग ना खाली एक एक अंगुली भी उठाएंगे ना तो वो लोग पता नहीं कहाँ पे दब जाएगा, तो कहाँ नहीं जा सकते। समझ सकते हैं ये है सुनीता टुड्डू, बोकारो की रहने वाली है, जरीडी के क्षेत्र संख्या 19 से ये जिला परिषद सदस्य है। और ये जिस तरह की दहाड़ रही है और इस तरह के खुले चेतावनी दे रही है तो ये बात कहाँ तक जानी चाहिए आप लोग समझ सकते हैं। और ये बोकारो की बात है, काफ़ी दूर है वहाँ से, और उड़ीसा, बंगाल, असम, जहाँ जहाँ भी संथाल आदिवासी है, तमाम संगठन आज एक होने जा रहा है। और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि इसको लेकर आपका निर्णय अगर थोड़ा सा भी गलत हो तो आने वाले समय में आप इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि ये आवाज़ जो है ना, ये दिल की आवाज़ है। आज ग्रामीण टीवी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो आए और मेरा राय जाना, और आज इसी के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि अगर हमारे जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम भी बैठे हुए नहीं रहेंगे। हम सभी को बता देना चाहते हैं कि जो है ये हमारा आस्था के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। तो ये थी सुनीता टुड्डू जो अपनी बात रख रही थी, सीधे शब्दों में संदेश दे रही थी, निडर हैं, अपने धर्म, अपने भगवान को लेकर दृढ़ इनका विश्वास है कि हमारे साथ किसी तरह का छल कपट माननीय मुख्यमंत्री हो या कहीं कोई और हो, कोई भी करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिलहाल लेता हूं आप लोगों से विदा। जय झारखंड।